हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल मास्टर। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था कि एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट 8, ठीक है ना, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, कब एग्जाम होगा। तो आपको मैं इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, एग्जाम से लेकर आपको एडमिट कार्ड कैसे निकालोगे, एग्जाम कैसे देने जाओगे, और आप बिहार में जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक क्यों नहीं शो हो रहा है, वो मैं आपको पूरा ए टू जेड डाउट क्लियर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाला हर वीडियो इसी टाइप की रहती है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट 8 एडमिट कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह एडमिट कार्ड जारी हो चुका है 29 अक्टूबर को ही, ठीक है ना, और इसमें एग्जाम जो है 6 तारीख से लेकर 10 तारीख नवंबर में होगी, ठीक है ना। तो आप इस एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, आप मैं इसी वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं बात करता हूं बिहार स्टेट में, तो बिहार स्टेट में अभी एडमिट कार्ड शो नहीं करेगा, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। शो इसलिए नहीं करेगा फ्रेंड्स, और क्योंकि उसमें जो एग्जाम है बहुत ही देरी से होगी, लगभग बोल सकते हो आप दिसंबर में होगा, मतलब एक महीना बाद होगा, ठीक है ना। तो दिसंबर में इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि बिहार में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीका से कि इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन की वजह से यहाँ पर एग्जाम थोड़ा लेट हो सकता है, जिसके कारण आपका रिजल्ट आने में भी देरी होगी, ठीक है ना। तो आप इतना बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 14 दिसंबर 2020 को आपको बिहार में एग्जाम होगा, मतलब जिसका एग्जाम सिटी बिहार में होगा, जिसका एग्जाम सिटी बिहार होगा उसी का 14 दिसंबर को एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो दिसंबर में होगा, बट अदर स्टेट से हो तो आपको 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में एग्जाम करा लेनी है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा, उसका एडमिट कार्ड जारी भी हो चुका है, आप उसे कैसे निकालोगे मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं। तो एग्जाम पैटर्न इसमें आप लोग समझ रहे हो कि बहुत ही इजी है, बट बहुत ही ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, देखिए, पढ़ने वालों के लिए टफ नहीं है, और जो ना पढ़े हो, जो ना समझे हो, उनके लिए थोड़ा सा टफ तो लगेगा ही, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि आपको 60 मिनट के टाइम दी जाती है, ठीक है ना। सिर्फ सीवीटी ही पास करना है, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, होता है यही सब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि 60 मिनट की टाइम दी जाती है, और जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। 60 मिनट के टाइम में 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी रहती है, जिसमें से आपको पार्ट ए में आपको मिलेगा जनरल इंटेलिजेंस, जो आपका 25 नंबर का क्वेश्चन होगी, और वह टोटल मार्क्स कितना का होगा, 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की क्वेश्चन होगी, 25 क्वेश्चन होगी जिसमें टोटल मार्क्स होगा 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें से 25 क्वेश्चन होगा जिसमें आपका टोटल मार्क्स मिलेगा मतलब 50। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में से 25 क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 50, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स आपको 200 नंबर की एग्जाम होगी, जिसमें से आपको टोटल क्वेश्चन होगी 25, 50, 75, 100 क्वेश्चन होगी जिसमें से 200 नंबर की होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और निगेटिव मार्क है 0.50, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें से आप एक गलती करते हो तो आपको 0.50 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, मतलब यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्क है, ठीक है ना। 1/4 निगेटिव मार्क यहाँ पर आपको रहने वाली है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि मुझे निगेटिव करनी ही नहीं है, जो आपको कंफ्यूजन लगता है उसको छोड़ देनी है, जिसमें आप 100% श्योर आप उसी को क्लिक करके आओ, उसी पर टिक लगा के आओ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे, और बिहार वाले, बिहार सिटी में जिसका एग्जाम है वो अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाला हर वीडियो लेटेस्ट अपडेट रहती है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए। सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है लेटेस्ट रिजल्ट, ठीक है ना।
लेटेस्ट रिजल्ट जैसे ही आप टाइप करेंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। आपको पहला वाला लिंक पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद भी आप यहाँ देख सकते हो एडमिट कार्ड का जो पोर्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है SSC वेरियस सिलेक्शन पोस्ट एट एडमिट कार्ड। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही डेट्स के बारे में बता दिया है कि कौन डेट्स की एग्जाम होगी, वही चीज यहाँ पर दिया गया है। आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड अदर रीजन, ठीक है ना। आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। आपको मान लीजिए कि आप किसी भी, देख लीजिए यहाँ पर किस स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर मैं ईस्टर्न रीजन लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, इस पर देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। इसको सिंपली ओके कर देना है, ठीक है ना। ओके करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आना है। नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो योर स्टेटस फॉर सिलेक्शन पोस्ट एट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इस पे आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा या आप अपना नेम दे सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ। जैसा कि देख सकते हो कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा हूँ। देने के बाद में सिंपली फ्रेंड्स आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में ये जो कैप्चा है, आपको सम करके जो भी आपको इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। इसको सिंपली क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ के मेरा रोल नंबर दिखा रहा है। मैं इसको ब्लर करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको आसान हो। देखिए यहाँ पर मेरा रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरा नाम राकेश कुमार, फादर्स नेम कमल महतो आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एग्जाम डेट कब है, तो मेरा 9/11/2020 का एग्जाम डेट है, और यह कौन सा लेवल का है, तो मैं मेट्रिकुलेशन लेवल पर भरा था इसके लिए आ गया। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो 2:30 2:30 है, ठीक है ना, दोपहर में। और सिटी ऑफ एग्जाम का है, कोलकाता है। तो यहाँ पे मेरा मतलब एक्सेप्ट है, रिजेक्ट नहीं किया। अगर रिजेक्ट किया रहता तो यहाँ पर रिजेक्शन का लिखा रहता है रीजन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यही है, आप भी अपना चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके जाइएगा, लेकिन वीडियो को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देकर जरूर जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।